प्रेजेंट टीचर। हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, गुण संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम देखेंगे, इसके बाद इसके कुछ उदाहरण के माध्यम से हम संधि और संधि विच्छेद करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, ध्यान देंगे। यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई या उ या बड़ा उ और नी आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। ध्यान देंगे, चाहे अ या आ के बाद ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ या फिर अगर री आता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ए बनेगा, ओ बनेगा और अर बन जाएगा, ठीक ना। तो अर हो जाता है, जैसे हम देखते हैं कि ये ए ओ और अर कैसे होता है, तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल पे जाना पड़ेगा, उदाहरण पे जाना पड़ेगा, ठीक ना। तो अब इसको हम देखते हैं, जैसे हैं हम संधि को ले लेते हैं, देवेंद्र को ले लेते हैं, देवेंद्र क्या है, संधि है, ठीक ना। अब देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जब इसका हम देवेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा देव धन इंद्र, क्या हो जाएगा, देव प्लस इंद्र, या उसको हम जोड़ भी कर सकते हैं, देव प्लस इंद्र बराबर जब करेंगे तो क्या बनेगा, देवेंद्र हो जाएगा। लेकिन अब देखिए देवेंद्र कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक अलग है और मात्रा, तो ये देवेंद्र कैसे हो रहा है जबकि यहाँ देव प्लस इंद्र हो रहा है ना। तो हम देखेंगे ये क्या करा, ओ या आ के बाद ई उ, अगर रे आए तो दोनों मिलकर ए ओ और अर आदेश करता है ना। तो हम यहाँ से देखें क्या आदेश हो रहा है, तो हम पहले बता चुके हैं कि प्रथम का अंतिम लेंगे, प्रथम का अंतिम, तो अंतिम क्या निकलेगा यहाँ पे, और निकलेगा, क्या निकलेगा, और प्लस को प्लस उतार लेंगे और अंतिम पद का प्रथम को लेंगे, ठीक ना। तो प्रथम को हम क्या लेंगे, ई को ले लेंगे, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आदेश करेगा, ए आदेश करेगा, अच्छा क्या बनेगा, संधि देवेंद्र, क्या बनेगा, देवेंद्र हो जाएगा, ठीक ना, ओके। इसी प्रकार से हम दूसरे को लेते हैं, जैसे देवेश को ले लेते हैं, देवेश का जब हम संधि करेंगे तो ध्यान रहे, देवेश का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, देव धन ईश। अब यहां से भी हम देखेंगे प्रथम का अंतिम क्या है, प्रथम का अंतिम क्या है, अ है, और प्लस अंतिम का पहला, दूसरे का पहला लेंगे तो यहां पे क्या आदेश होगा, ई हो जाएगा। जब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये क्या आदेश करेगा, ये क्या आदेश करेगा, ए आदेश करेगा ना, क्या आदेश करेगा, ए आदेश कर देगा, ठीक। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे, इसको देखेंगे, हाँ ठीक है। तो हम क्या किसको लेंगे, महोत्सव को लेंगे, तो महोत्सव को जब लेंगे तो जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे महोत्सव का, तो क्या बनेगा, महाधन उत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका प्रथम जो शब्द है इसका अंतिम क्या है, तो देखेंगे महा, तो यहां से क्या निकला, आ निकला, और यहां से क्या निकला, उ निकला, ठीक ना। अब जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ओ हो जाएगा, क्या होगा, ओ हो जाएगा, तो यही ओ यहाँ पे ओ हो जाता है,
संधि में यदि ओ यहाँ पे ओ हो जाता है तो महाधन उत्सव का संधि होता है महोत्सव। क्या होता है? महोत्सव हो जाता है। अब यहां से फिर देखते हैं, देवर्षि को ले लेते हैं, तो देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जब इसका हम संधि करेंगे तो ध्यान रहे, देवधन ऋषि हो जाएगा। क्या होगा? देवधन ऋषि हो जाएगा। अब इसमें से देव में से हम पहला लेंगे और को ले लेंगे, प्लस को प्लस उतार लेंगे और ऋ ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ऋ। तो देखिए यहाँ पे पहले ही कर दिया गया है कि अगर ऋ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या होते हैं? और हो जाते हैं। क्या होता है? और हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? महा ले लेंगे ना, आ लेंगे प्लस ऋ को ले लेंगे और जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? अर हो जाएगा। इसीलिए यह क्या बनेगा? महर्षि। क्या बना? महर्षि बना। ठीक है, बहुत अच्छा, आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए तो हो गया गुण संधि का कुछ उदाहरण, किस प्रकार से हम संधि विच्छेद करते हैं और किस माध्यम से संधि बनती है। तो हम पहले ही बता देते अ या आ के बाद जब छोटी या बड़ी, उ या बड़ा उ, या फिर री आए तो अ प्लस ई मिलके ए हो जाते हैं, अ प्लस उ मिलकर ओ हो जाते हैं और अ प्लस री मिलकर अर हो जाता है। ध्यान रहे, ठीक ना? उसी प्रकार से हम यहाँ पे संधि को सीखे हैं। अलरेडी बहुत सारे संधियां हैं जिसको हम सीखेंगे, अब ध्यान देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कैसे होती है तो देखेंगे पहले परिभाषा को। जैसे यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान में ए तथा ओ या फिर अ आए तो दोनों के स्थान में अ हो जाता है। दोनों के स्थान में क्या हो जाता है? अ हो जाता है, ठीक ना? हाँ, तो क्या हो गया? तो दोनों के स्थान में क्या हो गया? अ हो गया ना, अ हो जाता है। तो इसी प्रकार से अब हम देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। जैसे हम एकैक को ले लेते हैं, एकैक को हम ले लेते हैं तो एकैक का संधि क्या होता है? एकैक का जब हम संधि करेंगे तो एक धन एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक धन एक हो जाएगा। तो एक, देखिए यहां से क्या निकला है? अ प्लस ए ले लेंगे, यहां से हम ले लेंगे ए, तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा ना। तो ए क्या हो जाएगा? यहां पे वृद्धि कर देगा, एकैक में वृद्धि कर देता है। यहां पे वृद्धि हो गई, ए में ए हो गया, इसीलिए इसको हम वृद्धि संधि कहते हैं। अब देखेंगे दूसरा उदाहरण ले लेंगे, सदैव को ले लेंगे। तो जब सदैव का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सदा धन एव। क्या बनेगा? सदा धन एव। तो हम प्रथम का अंतिम लेंगे और दूसरे का पहला लेंगे, तो हम क्या करेंगे? आ ले लेंगे प्लस ए ले लेंगे, क्या बनेगा? ए आदेश हो जाएगा। तो ए क्या यहाँ पे करता है? वृद्धि कर देता है, इसीलिए सदैव में वृद्धि संधि होती है, क्योंकि आ प्लस ए मिलकर ए बना देता है। अब यहाँ पे हम महौषध को ले लेंगे, महौषध का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? महाधन औषध। क्या बनेगा? महाधन औषध। तो यहाँ पे हम देखेंगे लेंगे क्या? आ ले लेंगे प्लस इधर से हम औ ले लेंगे, बराबर क्या बनेगा? अ ही बनेगा। क्या बनेगा? अ बनेगा। तो क्या हो जाएगा? महौषध हो जाएगा। अब यहां पे हम आखिरी उदाहरण लेंगे, महोजस्वी। महोजस्वी, तो जब इसका हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा? महाधन ओजस्वी बनेगा।
महाधन ओजस्वी, जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो महोजस्वी बन जाएगा। क्या बनेगा? महोजस्वी। देखिए कैसे बनता है, तो यहां से हम क्या लेंगे, आ ले लेंगे प्लस ओ ले लेंगे, जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, ओ बनता है। और यही ओ क्या करता है, यही ओ क्या करता है, महोजस्वी का वृद्धि कर देता है। ये ओ क्या करता है, महोजस्वी का वृद्धि कर देता है, इसीलिए यहां वृद्धि संधि होती है। तो ठीक है, यहां पे क्या हो गया, महोजस्वी का क्या होगा, महोजस्वी का क्या होगा, महाधन ओजस्वी। जब हम महोजस्वी का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा महाधन ओजस्वी, ठीक ना। तो महाजस्वी का जब हम यहां से आ ले लेंगे और इधर से ओ ले लेंगे और दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो यही ओ क्या करता है, वृद्धि कर देता है, इसीलिए इसको वृद्धि संधि कहा जाता है। यानी एकाएक एकाएक में देखिए यहाँ पे ए हो रहा है, ओ प्लस ए ए हो रहा है, इसी प्रकार से सदाधन एव ओ प्लस ए मिलकर ए बन रहा है, जबकि यहाँ महोसत का संधि विच्छेद क्या हो रहा है, महाधन औसत इसका भी ओ हो रहा है, महाधन ओजस्वी यानी महोजस्वी का क्या हो रहा है, महाधन ओजस्वी हो रहा है। तो इस प्रकार से हम वृद्धि संधि को भली भांति समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।